ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबर की ओर खबरधार से, जहां जिले के कोसी क्षेत्र में नर्मदा घाट और मुक्तिधाम संरक्षण समिति के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर ट्राइबल क्षेत्रों में जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों के रक्तदान दाताओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक रही। वहीं साथ ही पुलिस विभाग मिसरपुर चौकी प्रभारी दिलीप सिंह तड़ेवाला और उनकी पुलिस टीम के द्वारा भी रक्तदान किया गया। बता दें कि मां नर्मदा घाट निर्माण और संरक्षण समिति के द्वारा कोटेश्वर तीर्थ पर साल में दो बार रक्तदान शिविर का विशेष आयोजन किया जाता है। गंगा दशमी के पावन पर्व पर आज एक तो चुनरी का कार्यक्रम रखा गया ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा। उसके बाद में मां नर्मदा घाट संरक्षण समिति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का रखा गया है। ये रक्तदान शिविर 2016 से निरंतर चल रहा है और अभी तक लगभग 6000 यूनिट रक्तदान रक्तदीप तो मां नर्मदा घाट निर्माण समिति की ओर से हो गया। हमारा मुख्य लक्ष्य है आदिवासी बंधु ट्राइबल के जो लोग हैं उनको जागरूक करना, ताकि अधिक से अधिक लोग ब्लड और ब्लड दान दे सके। सर क्या खुलासा हुआ है? खैर फरुखाबाद से, जहां कोतवाली फरुखाबाद पुलिस ने आधा दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 5 लाख कीमती सोने के जेवरात और 315 बोर के दो तमंचे, खोखा कारतूस आदि सामान बरामद किया गया। वहीं गुड़वर्क करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। सर क्या खुलासा हुआ है? ये थाना फरुखाबाद के अंतर्गत 6 मई को एक दिन में चोरी हुई थी, जिसके अंतर्गत सोने के आभूषण और अन्य चीजें गई थी। उसके क्रम में वहाँ पर मुकदमा लिखा गया था। हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाने की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, तो इसी टीम के द्वारा एक अंतर्जनपदीय चोरी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो फरुखाबाद के अंतर्गत चोरी हुई थी 6 मई को, उससे संबंधित जो आपके सोने के आभूषण हैं, साथ ही साथ जो नाजायज असले हैं और अन्य चीज़ें उसके बरामद हुई है। ये कुल 6 लोग हैं जो कि जनपद कासगंज के रहने वाले हैं। इनका नाम दर्शन वर्मा, विशाल कुमार, अमर कुमार, रितेश बाबू, आकाश और मोहित दिवाकर है। इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। दर्शन के ऊपर कुल 4 मुकदमे हैं, विशाल के ऊपर 3 मुकदमे हैं, अमर के ऊपर 3 मुकदमे हैं, रितेश के ऊपर 2 मुकदमे हैं, अभियुक्त आकाश के ऊपर 2 मुकदमे हैं और मोहित के ऊपर 1 मुकदमा है। ये सभी लोग आसपास के जनपदों में पहले घरों की रेकी करते हैं और दिन में ही वहाँ पर चोरी करते हैं, और पहले भी इनके ऊपर चोरी और लूट के मुकदमे हैं। इन सभी को थाना फरुखाबाद के अंतर्गत जो मोहल्ला घेर शामू खां के पास खाली पड़ी जमीन थी, वहाँ पर डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया गया है। उसके क्रम में जो संबंधित मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई कर इनको न्यायालय भेजा जा रहा है। सर माल पूरा बरामद हो गया है? इसमें 100% माल बरामद हुआ है और इसीलिए जो हमारी टीम है उसको 10,000 का इसमें इनामी को प्रदान किया जा रहा है। सर क्या खुलासा हुआ है? खैर बस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अस्पताल में उत्तम व्यवस्था को लेकर लाख दावे करती है, वहीं बस्ती जिले के कुदराहा सीएससी में मुख्यमंत्री के आदेश को नजरअंदाज करते हुए देखा गया, जहां अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर नींद में अपने सपनों की उड़ान भरने लगते हैं और डॉक्टरों के सपनों का खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि कुदराहा सीएससी पर मरीज घंटों तड़पता रहा और डॉक्टर साहब नजर तक नहीं आए। तड़पते मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर कन्नौज से, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव और कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन व्रत रखा। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई 16 वर्ष साक्षी की निर्मम हत्या को लेकर जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव और कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की। वही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने छिबरामऊ के मोहल्ला अजेर किला में एक बैठक का आयोजन किया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आदर्श पर निष्क्रिय सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आज हमारी निकाय चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक 3 जून को है, उसी संबंध में जिला कार्यकारिणी की बैठक एक बुलाई गई थी।
चूंकि कल दिल्ली में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, इतना बड़ा कुकृत्य हुआ है, उसको लेके सब मीटिंग से पहले, बैठक से पहले हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उस दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कैंडल जलाकर एक शांति के लिए हमने काम किया। आज हमारी वास्तव में मीटिंग और बैठक निकाय चुनाव को लेकर थी कि हमारी कहां पे खामी रही है और आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर बैठक हुई। क्योंकि 3 जून को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बैठक लेने आ रही हैं, समीक्षा बैठक करने आ रही हैं, उसी संबंध में एक जिला की बैठक बुलाई गई थी और उसमें आगामी जो 2024 है या हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो निष्क्रिय हैं और जो सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं निष्क्रिय को हटाना पड़ेगा और प्रांतीय अध्यक्ष की सहमत से और जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, उनको पुरस्कार भी हम लोग देंगे। इस संबंध में बैठक हुई। खबर शाहजहांपुर से, जहां पूरे भारत में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ये महानगर के गदा नदी पर, यहीं पर लोग गंगा स्नान करने आते हैं और एक परंपरा है, लेकिन यहां जो नदी है उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अपनी टीम के साथ देखा तो महिलाएं वहां प्रसाद चढ़ा रही और भैंसों का झुंड उस पानी में दिखाई दे रहा है। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती गंगा दशहरा पर्व से एक दिन पहले की साफ सफाई और इन जानवरों प्रतिबंध लगा देते। आज मंगलवार का दिन भी है और दशहरा पर भंडारा भी कई जगह चल रहा है। मैंने कुछ महिलाओं से बात की तो प्रशासन के खिलाफ उनकी नाराजगी देखने को मिली। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज मंगलवार का दिन है, गंगा दशहरा है। ऐसे में शाहजहांपुर महानगर में नदी निकलती है, गंगा नदी। यहाँ पे हर साल दशहरे का पर्व मनाया जाता है और दशहरे में जो श्रद्धालु आते हैं वो नहाने के लिए आते हैं गंगा जी जाए। जो गंगा जी नहीं जा पाते हैं, जो अपने यहाँ पे वो यहाँ गंगा घाट पे अपना विचार करते हैं इस पर्व को मनाने। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की प्रति आ रही है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे जो घाट है यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं करवाई है। जबकि आज दिन जो यहाँ की डेयरी वाली है, जो जानवर आते हैं, भैंसियाँ वगैरह, भैंस वगैरह आती है, उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, साफ सफाई व्यवस्था करानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ प्रति नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम आपको कहना चाहते हैं, मैं कहना पसंद करूँगा कि गंदगी है, इधर गंदा पानी यहाँ पे, गंदे पानी में तो ये कहते हैं यहाँ जो जानवर है खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी 50 से आयुक्त संयुक्त चिकित्सालय में CMO अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जिससे वहां उपस्थित डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण में उन्होंने साफ स्टाफ को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ऑक्सीजन युक्त बेड को देखा और साथ ही CCTV कैमरे के बारे में भी जानकारी ली। वहीं अस्पताल में पहुंचकर इमरजेंसी सुविधा भी शुरू कराई गई। सर, आज अस्पताल का निरीक्षण किया आपने, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें सेवा गुप्त निरीक्षण के लिए आया था कि अस्पताल में और क्या क्या कमियाँ हैं, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हॉस्पिटल शुरू हो गया है, सारा काम कर रहे हैं, तो हमें और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, सफाई कर्मचारियों की भी व्यवस्था है और अस्पताल के अंदर CCTV के लिए भी देखना था कि कहाँ कहाँ CCTV की व्यवस्था कराई है,
जैसे कि अस्पताल के लिए व्यवस्था की और व्यवस्थाएं की। सर बात की जाए क्या क्या खामियां और देखने को मिली हैं? खामियां नहीं, अभी जितना है इसमें सुधार की व्यवस्था बनी रहती है जी। अभी आप देख रहे हो ना, हमें इसके लिए 24 घंटे हमने इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं, लाइट की भी व्यवस्थाएँ करानी है जी। और डॉक्टर्स जो हैं ओटी शुरू हों तो ओटी में भी उनके जो स्टाफ की कब तक पूर्ति हो जाएगी यहाँ पर? ये बहुत जल्दी हम तो आज निर्देश दे दिए। सर आज अस्पताल का निरीक्षण किया आपने, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें सेवा गुप्त निरीक्षण के लिए आया था कि अस्पताल में और क्या क्या कमियाँ हैं, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। खबर शाहजहांपुर से, जहां महानगर की काशीराम कॉलोनी में कृष्ण शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि कृष्ण शर्मा के पास में ही रहने वाले प्रशांत के घर में फहीम का काफी समय से आना जाना था। उन्होंने बताया कि फहीम मेरी बहन सोनी के करीब आना चाहता था, जिसका मैंने कई बार विरोध किया, लेकिन कल रात मेरी बहन को बहला फुसला कर भगा ले गया और मेरे परिवार को धमकी दे रहा है कि जबकि मेरी बहन नाबालिग है। क्या नाम है आपका? मुन्नी शर्मा है। मुन्नी शर्मा जी, क्या हुआ? लड़की चली गई, भगा ले गया। कितनी उम्र है लड़के की? उम्र कितनी लड़के की आपकी? 16 साल। किसके किसको भगा लेगा? लंबू है। लंबू क्या बोल रहा है? लंबू लंबू कहते हैं। मैम नाम है। किस मोहल्ले में बैठे आप? काशीराम कॉलोनी। तो ये घटना कब की है? कल की है। असली नाम नहीं पता उसका? फहीम नाम है। तो ये क्या आपके घर के पास ही रहता था क्या? बराबर रहता था। आपको नहीं पता था इसका क्या था? क्या था? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं लगा। बराबर में रहता थे, अपना फोन उनके घर को देखा, अपना फोन है तुम्हारे। अच्छा, मामला बिल्कुल पास का था। हाँ। तो आना जाना भी उसका रहता होगा। उसकी कितनी उम्र होगी? 20-21 साल का। आपने पुलिस में कंप्लेंट करी थी इसकी? क्या हुआ? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने अभी एक प्रशांत नाम का एक व्यक्ति है, जिसके कमरे में किराए पे रह रहा था और उसको पुलिस ने भी उठाया है। अभी वहाँ कोतवाली पहुँचे हैं। प्रशांत व्यक्ति के यहाँ किराए पर रहता है? प्रशांत वो जो ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर है, उसके यहाँ किराए पर रहता था। लंबू नाम का उनकी दोस्ती और उसकी दोस्ती अच्छी खासी है। और रिक्शा से फोन आया था कि मेरे पीछे मत पड़ो, अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगी और मैं शादी करूंगी। ये लड़की बयान है? हाँ, ये उसने कहा। और ये भाई धमकी दी, अगर ज्यादा करोगे तो ये लड़की ने कहा कि ज्यादा करो तो समझ लेना, मतलब धमकी दे रही है। अब हम आएंगे नहीं। तो उसकी उम्र तभी कम है? शादी करने सकते हुए कानूनी तौर पर नहीं करते? कानूनी तौर पर शादी नहीं। इसके मतलब उसे क्या धमकाया जा रहा है? तो उसने लड़की को अपने कब्जे में सुकून में कर रखा है। हमारा मानना है कि अभी वो लड़की दूर नहीं गई है, क्योंकि मोहल्ला कदरा में कुछ लोगों ने बताया कि अभी लड़की यही है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी, अभी निकल नहीं पा रही है रात, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वो लड़के नाम क्या है? मोनी शर्मा नाम है। मोनी शर्मा। पिता जी का नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। श्री किशन शर्मा। श्री किशन शर्मा। खबर मथुरा के वृंदावन से, जहां वृंदावन की परिक्रमा मार्ग ललित कुंज आश्रम में हरिदसी पीठासीन आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव महाराज का वैराग महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतुर संप्रदाय वैश्व परिषद के महंत मोहिनी विहारी शरण महाराज के द्वारा की गई। वहीं सर्वप्रथम आश्रम में पधारे हुए इस आश्रम के अनुपायी और भक्तगणों के द्वारा प्राप्तकालीन वेला में स्वामी हरिदास महाराज और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का पंच गव्य पदार्थों का मेवा और अभिषेक किया गया। वहीं आश्रम में पधारे हुए सभी भक्तों के द्वारा पूज्य सदगुरुदेव का पुष्पमाला और पटका उठाकर पूजन किया गया। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ललित कुंज आश्रम में आकर बहुत ही अनूठा अनुभव मिला, बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ही अपनापन है। और इस आश्रम की विशेषता यही कह सकता हूँ कि मंजिल तक ले जाने के लिए बहुत आसान सीढ़ी है। साथ ही ये बात भी रखना चाहूँगा मैं कि इस दिव्य वृंदावन में केवल एक माध्यम है निकुंज रास्ता, जो हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बताया, जो स्वयं ललिता सखी के
प्राकट स्वरूप थे और हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमें रास्ता मिल गया है जीवन को अच्छाई और सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए। आज हर शिष्य के जीवन में ये शुभ दिन आता है और आज का दिन भी बहुत छोटा हमारे लिए ऐसा लग रहा है। हम इंद्र को भी कोसते हैं कि आज का दिन थोड़ा और बड़ा हो जाता तो हम और आनंदित हो जाते। ऐसा पुण्य हमारे जीवन में आया जो हमें उस दुनिया में पहुंचा दिया जिस दुनिया में हम लोग जाना चाहते हैं। श्री हरदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट और श्री हरदासी भरतपुर सेवा मंडल के द्वारा आज ये आयोजन में कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ गुरु जी का 60वां वैराग्य महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और साथ में हमारे आचार्य भगवान दास जी महाराज जी, राधा चरण दास जी महाराज जी और बड़े आचार्यों का आज प्राकट महोत्सव है और बहुत ही धूमधाम से आज हम लोगों ने मनाया। भारत के हर कोने से हमारे गुरुभाई लोग यहाँ पधारे, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और हम लोगों ने यहाँ दीन दुखी जो तुम्हारे गरीब असहाय लोग हैं, नेत्रहीन हैं, विधवा माता हैं, संत हैं, उनको आज यहाँ भोजन प्रसाद करा के उनका सम्मान किया है। और पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म श्रीधाम वृंदावन, बैरागी श्री धाम वृंदावन, उपासना श्रीधाम वृंदावन, गुरुदेव भगवान ने 7 साल की उम्र में ये घर छोड़ा है। बैरागी जो संसार से विमुख होके वो भगवत प्राप्ति में जो लग जाते हैं, जो मन एकाग्र हो जाए, इसे बैरागी कहते हैं। जो कि ये संसार के कड़वों लगे और जो अपना भजन वो अच्छा लगे आदमी, उसे बैरागी कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने 7 साल में घर छोड़ा और आज 60 साल हो गई आज गुरुदेव भगवान को, उनका बैरागी उत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज वृंदावन में जन्म, वृंदावन में भी बैरागी है गुरुदेव भगवान का और लगभग 70 ग्रंथों की अब तक रचना कर चुके हैं। ऐसे उच्च कोटि महापुरुषों के जो बैराग्य उत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारे जीवन धन्य होगा। और सभी गुरु भाइयों को आपके चैनल पर आज के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ललित कुंज आश्रम मंगलवार को गंगा दशहरा पर मानसी गंगा में स्नान करने को सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मानसी गंगा के गिरिराज घाट, पुरोतन घाट, मानसा देवी घाट, चौकलेश्वर घाट आदि घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य का काम किया है। श्रद्धालुओं ने मानसी गंगा स्नान कर परिक्रमा मार्ग में ठंडी शरबत, पूरी सब्जी आदि भंडारे लगाकर पुण्य कमाया है। क्या नाम है आपका? राम परवोत सिंह पाठक जी। आज जैसा कि गंगा दशहरा है, मानसी गंगा में स्नान करने का क्या महत्व है? गंगा दशहरा पर हमारे पूर्व में ही मानसी गंगा में सब गोता लगाते हैं, इससे पुत्रों को शांति मिलती है और अपने खुशहाल जीवन की कामना लोग करते हैं। पहले लोग जो है बैठे पानी में भी नहरों में जाते थे, यमुना जी में जाते थे, लेकिन बाद में सभी लोग मानसी गंगा में ज़्यादातर स्नान करने आते हैं। खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लोग आज भी देखने को बहुत मिलेंगे आए हुए, ये सब मानसी गंगा में स्नान करते हैं, पूर्वजों को शांति मिले और अपनी मनोकामना सिद्ध हो, ये कामना लेकर आते हैं और गंगा जी पर दूध पर बस। क्या नाम है आपका?